लगता है ना कि नहीं कुछ नया हो, तो अपने लोगों को जो जर्मनी नहीं गए हैं, जो हमारे भाषा के लोग नहीं जा पाते हैं, उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग अलग हटके कभी कभी शो किया जाए, ताकि लोगों को कुछ नया लगे। और लोग बोलते हैं ना कि भोजपुरी बड़ी पुअर होती है, तो भोजपुरी पुअर नहीं, भोजपुरी के हाँ हो सकता है कि दुनिया को ये लगे कि नहीं भाषा हमारा क्षेत्रीय है, लेकिन हम क्षेत्रीय नहीं रहे, हम पूरे वर्ल्ड में गूंजते हैं और हमारा भाषा गूंजता है। तो ये हमारी उपलब्धि है और ये आप लोग के प्यार की बदौलत ही हो पाता है। अदरवाइज दुनिया का कोई कलाकार कह दे कि आई एम स्टार, नो नथिंग, आप कुछ नहीं हो, क्योंकि जनता का प्यार और मोहब्बत जो है वो आपसे सबसे सर्वोपरि है, वो बड़ा होता है। हम अपने आप को बोल दें कि हम ये हैं, वो हैं, हम ऐसे हैं, उसे, हम जीरो हैं, हमें तो हीरो आप सबने बनाया है। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप सबके प्यार और आशीर्वाद के बिना मैं, मुझे लगता है कि मैं सो भी ना पाऊँ। और मैं आज मैं जीता हूँ, आज आप लोगों ने मुझे प्यार दे रहे हैं, कल क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि कल की दिन जो हो हम सबके लिए लाभदायक हो। और आज हमारा 11 बजे जो सारेगामा हम भोजपुरी से रिलीज हो रहा है, मैं उसके लिए पूरे सारेगामा हम भोजपुरी के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं भाई जी। जैसे कि लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे तो लोग सिर्फ इंडियन ट्रेंडिंग सॉन्ग्स की बात करते हैं, लेकिन आपके सॉन्ग्स जो हैं नेपाल हो, दुबई हो, गल्फ हो, मालदीव्स हो या मॉरिशस हो, तो इंडिया में ट्रेंड करने से पहले बाहर ट्रेंड करते हैं, तो ये इसका क्या राज है, मतलब ये क्या है? चीज़ ये है कि किसी को साइकिल पे चढ़ने की क्षमता नहीं है, उसको बाइक मिल जाती है तो खुश हो जाता है। ओके, लेकिन मेरे कहने का मतलब ट्रेंडिंग होता क्या है ये जनता ने खेसारी के द्वारा बताया। ओके, तो इंडस्ट्री में पहली ट्रेंडिंग मेरा ही गाना आया था। Okay. और मेरा क्या भोजपुरी समाज का आया था, मैं एक सिंगर हूँ, मैं बोल रहा था कि एक माध्यम हूँ मैं, और भोजपुरी समाज ने उसको इतना प्यार दिया कि पहली बार भोजपुरी के लोग ट्रेंडिंग जाने तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के सिंगर अगर ट्रेंडिंग जाने, भोजपुरी के लोग तो बहुत कुछ जानते हैं। हमारे भोजपुरी समाज में एक से एक महापुरुष हैं जो कि दुनिया के हर स्टेट में जाकर अपना झंडा गाड़े हुए हैं। हम तो कला क्षेत्र में हैं, तो कला क्षेत्र में पहली बार ट्रेंडिंग का कोई अगर सिलसिला चला तो मेरे गाने से ही चला, और आज हर आदमी ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि शुरुआत तो मैंने की, शुरुआत मेरी थी, आज हर आदमी आता है तो बड़ा खुशी होता है। पर एक और शुरुआत आपने किया था कि जो वीडियो की क्वालिटी को आपने अपने ऑडियंस के लिए एक लेवल अप किया था, तो वो आपने किया था, उसका थॉट क्या था उसके पीछे कि जब आपने लोग अब रीच कर रहे हैं, हाँ अब कुछ लोग रीच कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा वीडियो बनाया हूँ, मेरा ये तांडव आ रहा है, मेरा वो तांडव आ रहा है, मेरा ऐसा तांडव आ रहा है। अब मैं वो तांडव देख चूँकि शुरुआत जब मैंने की उस तांडव का, तो क्या, क्योंकि अच्छी चीज़ है और अच्छा बात है ये कि मुझे देखकर